पूज्य माना जाता है। प्रथम गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एक बार की कथा है पुराणों की। शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। थाईलैंड में कार्तिकेय का बहुत बड़ा मंदिर है, थाईलैंड में। गणेश की मूर्ति बहुत बड़ी है, लगभग होगी 100 फीट ऊंची या 200 फीट ऊंची, बहुत ऊंची मूर्ति है। जो भी हो, पहाड़ के ऊपर मैं दर्शन किया उनका, कार्तिकेय का, बड़ी सुंदर मूर्ति है थाईलैंड में। तो दोनों बेटों के बीच में शिव जी को कंफ्यूजन हो गया कि प्रथम पूज्य किस पुत्र को बनाऊं। और दो बेटे ठीक भी है, एक हो और पूरा मूर्ख निकले तो फिर चौपट हो गया, इसलिए दो है, कम से कम कुछ गुंजाइश है, दूसरा शायद ठीक हो जाए। अब किस्मत ही फूटी हो तो दो हो या 200 हो, सभी गधे निकलेंगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, सब एक ही मॉडल थे, किसी को सूझबूझ नहीं थी। कीचक 100 भाई था, 100 के 100 नालायक थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो एक शर्त लगाई गई कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले नंबर पर वापस लौट कर आएगा उसे प्रथम पूज्य बनाया जाए। कार्तिकेय परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं, उनका वाहन अच्छा था। गणेश जी जब अपने वाहन को तैयार करते हैं तो उनका वाहन रोने लग जाता है, चूहा। वो बोला, इतनी लंबी यात्रा हम नहीं कर पाएंगे। गणेश बड़े संतोषी, अभी तक वाहन चेंज ही नहीं किया, उनके भक्तों ने तो चेंज कर दिया। बैलगाड़ी से लोग ट्रैक्टर गाड़ी ले आए, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से एरोप्लेन। लेकिन भगवान, कोई भगवान ऐसा नहीं जो अपना वाहन चेंज किया, उनका वाहन चूहा है। गणेश बहुत संतोषी है, चूहा में ही संतुष्ट है। लेकिन मुझे कभी कभी संदेह होता है, ये चूहा इतना छोटा है, गणेश इतना मोटा है, उसकी पीठ पर बैठेगा तो चूहे का कचूमर निकल जाएगा। लेकिन वो चूहा भी उसी क्वालिटी का होगा, पुराने जमाने का चूहा जबरदस्त होगा। ये कलयुगी चूहे थोड़े छोटे छोटे, उसी का चूहा भी बलवान ही होगा। और शंकर जी का वाहन भी बड़ा विचित्र, उनका वाहन बैल है। बाप बेटे दोनों मजेदार, बैल की पीठ पर कहीं बैठा जाता है, शंकर जी बैल पर बैठते। इसलिए बैल को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बैल को मारोगे तो शंकर जी को दुख लगेगा, चूहे को मारोगे तो गणेश को दुख लगे। मैंने लोगों से कहा कि चूहा मारना बंद करो, ये गणेश का वाहन है, गणेश भगवान का आशीर्वाद कैसे पाओगे? प्रथम गणेशाय नमः लिखते हो और प्रथम चूहे को मार डालते हो। तो लोगों ने कहा गणेश जी को भी अपना वाहन कंट्रोल में रखना चाहिए। स्वतंत्र आजादी से घूम रहा वाहन सब फसल खराब कर रहा, सच बात है। खैर, तो गणेश का चूहा रोने लगा तो गणेश दुखी हो गए कि अब मेरा चूहा ही जवाब दे दिया तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। तो गणेश भी दुखी होकर बैठ गए। तब तक नारद जी आ गया। नारद जी ने गणेश से कहा, तुम दुखी क्यों, जाओ ना पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश ने कहा, मेरा चूहा इतना यात्रा नहीं कर पाएगा और मैं बैठा हूँ, क्या करूँ, दुखी हूँ। कार्तिकेय तो सफल हो जाएगा, वही प्रथम पूज्य बन जाएगा, मैं पिछड़ जाऊंगा। तो नारद जी की कृपा, गुरु कृपा, नारद जी ने कहा, तुम अपने माता पिता की परिक्रमा करके पैर छूकर हाथ जोड़ के बैठ जाओ। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके बैठ गए, ध्यान लगा लिया। कार्तिकेय जी बहुत दिनों के बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, देवताओं की मीटिंग हुई, नारद जी उपस्थित हुए।
नारद जी ने कहा पूरी पृथ्वी माता पिता से ही भरी हुई है और जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा की है उनका सम्मान किया है तो समझ लो उसने पृथ्वी की परिक्रमा किया है। जो पूरी धरती घूमाया और अपने माता पिता को पहचान नहीं पाया वो कैसे प्रथम पूज्य हो सकता है। इसलिए गणेश को प्रथम पूज्य बनाया जाए, गणेश को प्रथम पूज्य बना दिया। इसलिए माता पिता का अपमान कभी न करना। और अपमान कई तरीके से होता है, एक तो उनको गाली दो तो अपमान, दूसरे दो चार मुक्का मारो तो अपमान, टांग पकड़कर घसीटो तो अपमान, दुख सब है। लेकिन और भी तरीके हैं। यदि तुम दारू पीते हो तो भी माँ बाप का अपमान है, तुम जुआ खेलते तो भी उनका अपमान है, तुम व्यभिचार करते तो भी अपमान है, तुम किसी लड़की लड़के के साथ भाग जाते हो तो भी अपमान है। याद रखना वो संतान जो कभी भी अपने माँ बाप को अपमान का मुंह देख खाती नहीं है, हमेशा सम्मान रखती है, वो संतान कभी दुख नहीं।